नमस्कार, आप देख रहे हैं क्विक न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ केपी सिंह। इस वक्त हम मौजूद हैं जनपद बिजनौर के मोटा महादेव मंदिर पर, जो कि काफ़ी प्राचीन मंदिर कहलाया जाता है और यहां पे काफ़ी मात्रा में श्रद्धालु आए हुए हैं जल चढ़ाने के लिए। तो आइए बात करते हैं उनसे। श्रद्धालु जो जल चढ़ाकर है, मैं कैमरामैन पर्सन से कहूँगा कि वो दिखाएं जरा। जो यहाँ पर श्रद्धालु हैं वो जल चढ़ाकर यहाँ से निकल रहे हैं, जो घंटों लाइन में लगे थे। तो आइए उनसे पूछेंगे कि क्या कितना समय लगा उन्हें जल चढ़ाने में, किस समय से वो खड़े हुए थे यहाँ पर। कितने समय से आप लाइन में खड़े हुए थे? करीबन 1 घंटा हो गया लाइन में लगे हुए और तब जल चढ़ाया। तो अब कैसा आपको लग रहा है जल चढ़ाकर? बस ठीक ही लग रहा है। तो आपके शांति मिल गई जल चढ़ा के? तो आपके मन में क्या श्रद्धा है भगवान के लिए? बस ये है कि हमेशा हम सभी पर कृपा बरसाए रखें और सभी को सुख शांति और भाव दे, सद्बुद्धि दे सबको। आपको जल चढ़ाकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, आत्मा की शांति प्राप्त हो रही है। कितने समय से आप लाइन में खड़े थे? 2 घंटे से। 2 घंटे से। तो भगवान के प्रति आपकी क्या श्रद्धा बताएंगे आप? अच्छे काम करने चाहिए, यही भगवान की वो है। क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। मीनाक्षी जी, आप कब से लाइन में खड़े हैं? 4 घंटे होने वाले हैं। 4 घंटे होने वाले हैं। तो अभी आपका कितना टाइम हो लगेगा? मे बी 15 मिनट्स। क्या आपकी श्रद्धा है? हाँ श्रद्धा है। क्या श्रद्धा है आपकी? भोले बाबा को जल चढ़ाना है। कब से लाइन में खड़े हैं? सर 3.5 घंटे हो गए। 3.5 घंटे। तो क्या श्रद्धा है आपकी? बस भोलेनाथ के आगे दर्शन करने, भोलेनाथ के। तो इतनी भीड़ इसलिए है, मेन मंदिर है ना। जल चढ़ा के आपको कैसा लग रहा है? तो अच्छा ही लगता है, शिव जी के भक्त में तो सबको अच्छा ही लगता है। आपने जल चढ़ा दिया? जी सर चढ़ा दिया। तो कैसा लग रहा है जल चढ़ा के? मजा आया। इतनी लंबी लाइन जो आपने लगाई थी अभी, तो उसमें बहुत मजा आया, थक था। लाइन में खड़े हैं आप? हमें हो गया साहब 1.5 घंटा। 1.5 घंटा। तो भगवान को लेकर आपकी क्या श्रद्धा है? हमारी अटूट श्रद्धा है इस मंदिर में सभी क्षेत्रवासी। फिर बताएंगे आप थोड़ा? ये जो शिवलिंग है ये स्वयं प्रकट हुआ है अब से लगभग 500-600 वर्ष पहले, और तब से यहाँ सभी आते हैं और कामरती भी, और वैसे भी सभी दूर दूर से लोग आकर यहाँ जल चढ़ाते हैं। तो आप हर शिवरात्रि पर यहाँ पे जल चढ़ाने आते हैं? बिल्कुल, हर बार आता हूँ। जो पंडित जी हैं हम उनसे बात करेंगे कि आखिर क्यों इतना प्राचीन है ये मंदिर, क्यों ऐसे भक्त यहाँ पे जल चढ़ाए बिना नहीं जा पाते, और जो भी हरिद्वार से कांवड़ लेके आते हैं यहाँ पे जल चढ़ाते हैं फिर उसके बाद आगे प्रस्थान करते हैं। तो आइए हम पंडित जी से बात करते हैं। जी पंडित जी, क्या नाम है आपका? मैं शिक्षिनाथ पुजारी, मोटा महादेव मंदिर। तो आखिर क्यों मंदिर ये इतना प्राचीन है, क्यों इसे इतना पूजा जाता है? देखिए, स्वयंभू मोटा महादेव जी स्वयं भूमि से प्रकट है, और भूमि से प्रकट होने के साथ साथ ये मोटे ज़्यादा हैं तो इनको मोटा महादेव जी का नाम दे दिया गया। यहाँ की विशेषता और प्राचीनता ये है कि जो भी लोग हरिद्वार से जल लेकर के आते हैं उनको एक शीशी हरिद्वार से यहाँ के लिए चढ़ाने के लिए मिलती है। अगर किसी कारणवश वो शीशी हम नहीं चढ़ा पाते हैं तो उस शीशी का जल सूख जाएगा। तो यहाँ पर जो भी हरिद्वार से आता है, जैसा आपने बताया कि वो यहाँ पर शीशी मिलती है, वो जल चढ़ाते हैं, तो आप बताएंगे कि यहाँ पर जो भक्त हैं उनकी कितनी लंबी लाइन लगी हुई है? हाँ, लगभग 1-1 किलोमीटर लाइनें दो लगी हैं दोनों साइड, एक पूरा साइड में, एक नजीबाबाद साइड में, और रात 11:30 बजे से लाइन लगी हुई है। ये लाइन कब तक रहेगी? लगभग 4 बजे तक आप मान के चलिए। आप यहाँ पर कब से हैं यहाँ पर आप? मैं 1989 से यहाँ हूँ और बाबा की सेवा में लगा हूँ। मुझे बाबा ने उस समय यहाँ पे बुलाया था जब यहाँ पानी पीने के लिए केवल एक हैंडपम्प हुआ करता था, और आज ये लगा लीजिए कि यहाँ पे 4 से 5 सबमर्सिबल है, लाइट की व्यवस्था है, मतलब हर चीज़ की व्यवस्था उपलब्ध है यहाँ पर। इतना प्राचीन मंदिर है, तो आप और कुछ बताना चाहेंगे इस मंदिर के बारे में, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं? विशेषताएं में देखिए, यहाँ से आप जो भी सच्ची श्रद्धा से आप मांगिएगा, आप इस साल मांगे अगले साल आपकी टोली में मिलेगा। मैं इस चीज़ को मैं नहीं कहता, हजारों लाखों लोग आकर के सब बता देंगे साहब मेरी
मिट्टी लग चुकी है, मेरे बच्चा हो गया, मेरी शादी हो गई, 50 प्लस हो, तो इसलिए मेरे सामने काफ़ी जानकारी में लोग बताते आ गए इस तरह से। जैसा आपने देखा कि हमने पंडित जी से बात की, उन्होंने बताया कि जो भी यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं उनकी मन्नतें पूरी होती हैं, तो और अभी हम पूछते हैं कि यहाँ पर जो प्रशासन है उसका क्या रोल है, कैसी व्यवस्था है उनकी प्रशासन की? देखिए, हमारे श्रीमान जिलाधिकारी जी, श्री पुलिस अधीक्षक जी, श्री अपर पुलिस अधीक्षक जी, वैसीओ नजीबाबाद साहब और SDM साहब नजीबाबाद, चौकी प्रभारी मोटा महादेव मंदिर, वे समस्त स्टाफ ने इतना कार्य किया है यहाँ कि पिछले 30 साल में मैंने इस कार्य को नहीं देखा। लाइट की देखिए, लाइट भागने को तैयार नहीं, मतलब इतनी लाइट भी मैंने पहले नहीं देखी। पानी की व्यवस्था है, स्वास्थ्य कर्मियों की व्यवस्था है, सफाई कर्मी चप्पे पे लगे हुए हैं, मतलब इतना अच्छा जो इन्होंने प्रचार किया इस बार में, उसके लिए मैं खुश हूँ और इनका आभार व्यक्त भी करता हूँ। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जैसे पिछली बार कोरोना काल में शिवरात्रि पे कांवड़ नहीं चली, ना ही भक्त आए, तो इस बार कितने कांवड़ची हैं और कितने श्रद्धालु हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं? देखिए, पिछले साल की अपेक्षा दुगने को मैं मानता हूँ। अगर पिछले साल 2 लाख तो इस लाख 4 लाख डबल है, और इतना मेला मैंने देखा भी नहीं अपनी ज़िंदगी में। इतने साल से मैं सेवा करने के बाद इतना मेला मैंने कभी नहीं देखा, ना ही इतनी बढ़िया व्यवस्था मुझे मिली आज जो कि इस समय मुझे मिली। कैसा लगा आपको मोटा महादेव मंदिर के दर्शन करके, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरामैन हिमांशु जोशी के साथ मैं KP सिंह।